हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की इस नए वीडियो में आप लोगों को मतलब कोई भी बैंक में अगर आपका खाता है, अकाउंट है, तो आप इस वीडियो का एंड तक देखना, क्योंकि गाइज मेरे साथ जो हुआ का ये आपके साथ ना हो, या फिर आपके साथ हुआ है तो आप वीडियो का एंड तक देखना, आप सब कुछ इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो गाइज, वीडियो का अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये आपको खास आपके लिए टॉपिक होने वाला है। एंड गाइज, अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सो गाइज, वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, वीडियो को बिल्कुल से स्किप मत करना, क्योंकि गाइज आप लोगों को हो सकता है कुछ आप लोगों समझ में ना आए, वीडियो का एंड तक देखते रहिए। तो चले गए आज के इस कमाल को वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पर देख सकते हैं मेरे साथ कुछ इस टाइप से है, यहाँ पर एटीएम कार्ड जो गाइस आप देख सकते हैं, तो आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस टाइप से शो करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे कि गाइस यहाँ पर आप लोगों को लिखा हुआ है रुपये, एंड ये मुझे मिला है यूनियन बैंक के तहत, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मिला है। तो गाइस ये आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि गाइस यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं इसी को मतलब पैसा निकालने को, ट्रांजेक्शन करने को, तो वो तो सभी को पता है, जैसे कि इसको एटीएम बोलते हैं, डेबिट कार्ड बोलते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को पता नहीं फोकस हो रहा है या नहीं, तो यहाँ पे साइड में आप लोग देख सकते हैं लिखा है किसान धन जन धन योजना। तो सो गाइस ये आप लोग के इसी का डाउट, तो गाइस आप लोग के मन में ये डाउट होगा कि अगर आपके पास ये अकाउंट है तो आपको ऐसा जरूर एटीएम मिला होगा, या फिर आप किसी के हाथ में देखे होंगे। लेकिन गाइस ये अभी सभी बैंक ऐसा ही एटीएम प्रोवाइड कर रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? सो गाइस आप लोग को ये मन में तो डाउट जरूर होगा कि उसके पास, उस बैंक का एटीएम के पास तो होगा ही, तो ये ऐसी इसी कलर का एटीएम क्यों हमें दे रहा है, क्यों प्रोवाइड कर रहा है? तो इसका रीजन गाइस मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। जैसे कि गाइस इसकी, सो गाइस इसको मैं ये बताना ये चाहता हूं कि गाइस ये जो किसान धन योजना लिखा है, तो आप लोग किसी बैंक में जीरो बैलेंस का अकाउंट खुलवा लिया तो सो इसमें क्या होगा कि आप लोग को ऐसे एटीएम प्रोवाइड कर दिया दे दिया जाएगा आप लोग को आपके ट्रांजैक्शन के लिए, तो आप पैसा उसमें से निकाल सकते हैं, या फिर बहुत सारे इसे काम आते हैं एटीएम को, तो जैसे कि आप लोग को पता होगा। लेकिन गाइस मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि इस ये सभी बैंक में इसलिए मिल रहा है क्योंकि गाइस जो हमारी गवर्नमेंट सरकार है इसकी ये पूरी देखभाल कर रही है। जैसे कि आप लोग को खाता तो बैंक तो खोल दिया और आपको एटीएम भी दे दिया, लेकिन गाइस जो आपका अकाउंट वो नहीं देख रहा है, बल्कि आपको गवर्नमेंट आपकी सारी मतलब चीज़ें संभाल रही है और आपके अकाउंट को मैनेजमेंट वही सब कर रहा है। तो गाइस इसी के साथ मैं आप लोग को एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि गाइस अगर आपके पास ये एटीएम है तो इसमें आप 10,000 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो, क्योंकि गाइस आपका पैसा फंस भी सकता है या फिर और कुछ हो सकता है। तो इसके लिए आप लोग को गाइस बहुत ही मतलब आप लोग कम कम करके पैसा आप लोग को इसी तरीके से ट्रांजैक्शन करना है। तो उम्मीद है गाइस ये आप लोग को सूचना आप लोग को समझ में आ गया होगा, यही थोड़ा सा सुनना था। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, सो गाइस बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सो गाइस चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलता है किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, बाय बाय।